आजकल के जमाने में किसी को खुश रखना ना बड़ी बात होती है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। वो ऊपर ग्रीन कलर छोड़ रहा, कितना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे प्यारे भाइयों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम सब ठीक हैं। आपके दुआओं से अल्लाह ताला आपको भी हंसता और मुस्कुराता रखे। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रात को गए थे टूक की बाल्टी पे। ओ बाल्टी नहीं, ओए पाल्टी। हाँ पाल्टी पे, निंद्रा चे पाल्टी पे गए थे। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर दर्द कर रहा है। तो हम सब सो गए थे, तो राशिद साहब भी सो गए थे, बच्चे भी। फिर अभी उठाया है राशिद ने मुझे, नान चने लेके आए। देखे कितने मज़े के चने, बहुत मज़े के माशाल्लाह हमारे नान। तो नान भी हो, और मैंने आपको लस्सी का भी सरप्राइज दिया। हाँ ना, थैंक यू जी राजेश, थैंक यू। क्या टाइम भी इतना नहीं था, टोटल आपको पता कि थोड़ा सा टाइम रहता है। हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया राशि साहब, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, हमने आज सुबह जाना है परेड के लिए। हाँ परेड करनी है फौजियों के साथ, हमने परेड करनी है। दोनों ने ना हमें वहाँ पे इनवाइट है, हमने परेड करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, सुबह हो चुकी है, सहरी की नमाज़ पढ़ी, पता ही नहीं लगा टाइम का। तो आधा घंटा सोई हूँ, राशिद ने उठाया है, भाई चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारी क्रम बताया था, हमने फौजियों की परेड पे जाना है, पाकिस्तानी फौजियों की परेड पे। अब उधर जाने की तैयारी है, फुल तैयारी में खड़ी हुई हूँ। उन्हें मेरे को ले जाए तो तब चले ही बैठे रहेंगे। चलो चलो, बाहर गाड़ी आ गई है, निकलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। जी प्यारे बहन भाइयों, हम फौजियों की परेड पे आ गए इधर, मगर ये ना अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देंगे, मोबाइल हमारे जमा हो जाएंगे। इतना बस दुख लग रहा है आप सबको, हम परेड नहीं दिखा सकेंगे। बहुत प्यारी माशाल्लाह जगह, इतनी खुली इतनी बड़ी है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो बस यही दुख है, हम आपको परेड नहीं दिखा सकते। राशिद साहब ने ड्राइवर गाड़ी करवाई सड़क के पार, वो भी इतनी दूर, हमें पता भी नहीं है किधर हमने जाना है तो किधर नहीं जाना। तो मैंने तो गुस्सा किया राशिद को, गाड़ी वाला उधर ही उतार रहा था, मैंने कहा हम नहीं इधर उतरते, हमें अंदर वो उतार के आए। भाई जिधर उतारना है, जिधर की आपने वो लगाई हुई है लोकेशन, ये तो नहीं ना वो सड़क पार लगाए, तो इतनी बड़ी सड़क है, गुजरे वहाँ से। एक तो इन्होंने मुझे सुबह सुबह नींद में उठाया, तो सिर्फ आधा घंटा में सोई हूँ। तो एक तो अच्छा बस ना, गले शिकवे करने, तो आपने उनको उसको पूरे पैसे देने थे ड्राइवर के, ये भी बात नहीं होती। चलो जहाँ की लोकेशन लगी ना वहीं पे उसका काम बनता है उतारना, बेशक यू टर्न दूर है या पास है। अच्छा चले 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 चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी चलते हैं हम। तो अंदर तो मोबाइल अब लेके जाने नहीं देंगे, तो फिर बड़ा मसला है, नहीं तो आपको पूरी परेड हम दिखाते। तो अब कुछ नहीं हो सकता, दुख लग रहा है, दुख लग रहा है, कसम से दुख लग रहा है। परेड टकरेगी शाबाश, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हम परेड पे, और बड़ा जबरदस्त जो है ना, बड़ा जबरदस्त इलाका है, बहुत प्यारा। ये हमारे पास, पास ये मेरा नबीला और ये राशिद का पास, अडेडे वडे पास रखे। भाई मोबाइल तो जाने देना अंदर। और बहुत ही वंडरफुल इलाका, बहुत जबरदस्त। फौजियों की आवाज आ रही है ना। हाँ अभी शुरू होगी ना परेड, परेड शुरू होगी, मगर इनका काम बनता है मोबाइल अंदर लेके जाने देना। क्या हुआ? मोबाइल अंदर लेके जाने देना। चले रिक्वेस्ट उनसे करें, मोबाइल मैं छुपा लेती हूँ, मुझे दे। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ नहीं, कोशिश करते। वो फौजियों भाई उन्होंने बोला था ना, भाई आप साइड पे होकर बना लेना, कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये लोग खबरनामों में दे देते हैं हर जगह, हमारे मोबाइलों से क्या है, कुछ भी नहीं होता। चले करते हैं कुछ, देखते हैं इसके समय बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बहन भाइयों, अब हम उधर चलते हैं, क्या बनता है क्या नहीं बनता अब आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। आपके साथ तो फिर सारा प्रैंक ही हो गया ना, प्रैंक हो गया। मगर मुझे तो यह था भाई अच्छी सी हम जाके वीडियो बनाएंगे, वो जो टांगे मारते टॉस वो भी लेके आते भाई।
चले अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, माशाल्लाह से हिम्मत दिखाते हो। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, चले ठीक है। ये आर्मी वाले सारे खड़े हैं, दूर से आपको दिखा रहे हैं। हमने फौजियों की बड़ी मिन्नत की, मोबाइल को अंदर जाने दे, कह रहे नहीं बाजी हमारे पास में नहीं है। वो बड़ा जनरल कर्नल भी आ जाए ना, उसका भी मोबाइल नहीं अंदर जाता, मोबाइल जमा हो जाते हैं। चलें, ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है ना। आप ये तो नहीं ना भाई, हम अपने पाकिस्तान के बारे में गलत सोच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, और हमारे पाकिस्तान की हर दुख तकलीफ अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान दुख तकलीफ में होगा तो हम भी दुख तकलीफ में। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाब। इधर 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 हो जा। ये फौजी भाई ये नज़दीक आ रहे हैं जी। अब मेरे ख्याल से ये नीचे उतर रहे हैं ना, ये आखिरी रह गया है, वो भी है, एक वो भी है। ये वो ऊपर ग्रीन कलर छोड़ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये देखे ना, माशाल्लाह से परेड बहुत प्यारी थी, हमारे जवान बहुत प्यारे लग रहे थे, फौजी भाई सारे पंजाब, ये हमारे पांचों सूबों के जब आए ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, गाड़ियाँ सजी हुई थी उनमें, माशाल्लाह पश्तो, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची सब थे, और उन्होंने जो डांस किए बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ दें, और प्लीज़ जो बैड कमेंट करते हैं ना, गलत कमेंट, वो हमारी वीडियो ना देखा करें। हमें आपके वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमारे को दुआ नहीं दे सकता वो हमारी वीडियो ना देखा करें। आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप अच्छे कमेंट करते हैं आपको मैं अपने ब्लॉग में वेलकम करती हूँ, और बहुत मेहरबानी होगी मेरी जो बहनें भाई हैं, एक ही है कोई जो गलत कमेंट करते हैं, बाकी तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत दिल की गहराई से दुख हुआ है। देखें हम लोग तेज़ नहीं हैं, जिस तरह से हमें व्लॉग आता बनाते हैं, हमें काफ़ी बहन भाई सारे हमें पसंद करते हैं, एक है बीच में से वो पता नहीं किस किस तरह के कमेंट करते हैं, आप ओवर एक्टिंग करते हो, हम फ़नी व्लॉग बनाते हैं। सबा अहमद व्लॉग देखते हैं ना, अहमद भाई कितने फ़नी व्लॉग बनाते हैं, हम भी वही व्लॉग बनाते हैं। हमारे व्लॉग को सारे देख कितने खुश होते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होते हैं भाई किस टाइम हमारी वीडियो आएगी। तो आपसे हमारी इतनी फोनें आती हैं, इतनी कॉल आती हैं, कॉलें आती हैं, सब हमें इतना प्यार देते हैं सारे बहन भाई। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, सारे अच्छे कमेंट करते हैं, बस जो नहीं अच्छे करता वो हमारी वीडियो देखना छोड़ दे, आपसे हम नहीं बन सकते, समझ आइए। आजकल के ज़माने में किसी को खुश रखना ना बड़ी बात होती है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, तो प्लीज़ ऐसे ना करें। हालात अब ख़राब हुए हैं, हम लोग अच्छे खासे थे, ये कोरोना स्टार्टिंग हुआ था उसने हमारी बहुत मार दी है, तो इंशाल्लाह हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, और हम मेहनत कर रहे हैं, किसी से लेके नहीं खा रहे, दुनिया में इतने नेक है वो देखते समझते देखते ही नहीं है। अब एक हमारी आंटी हैं जो मेरी बच्चों के साथ इतना प्यार करती हैं, उन्होंने जो हमारे लिए अफ्तारियाँ भेजी हैं, मेरे बच्चों के लिए कपड़ों के पैसे उन्होंने भेजे हैं, यूपीएससी जो आंटी हैं वो भी तो इंसान है ना, मुसलमान है ना, देखिए एक ही उन्होंने पहले एक यानी कि वो ब्लॉग एक दो उन्होंने देखे। बोला ना मैंने सदका भेजा है ना ज़कात भेजी है, मैंने अपने बच्चों के लिए भेजी है, कितनी बड़ी उन्होंने बात की है, मुझे दिल की गहराइयों से खुशी हुई। अभी हम इधर बैठे थे, अंदर से निकले हैं, तो अभी बैठे थे तो मुझे राशिद ने कमेंट दिखाया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप अंदर के बाद हमारी तरफ कमेंट भी ना करें, हमारी वीडियो भी ना देखें, जो गलत कमेंट करते हैं जिनको नहीं पसंद वो हमें ना देखें, हमें कामयाबियाँ अल्लाह की ज़ात देने वाला है, और नीचे हमारे जो अच्छे बहन भाई हैं, प्यारे बहन भाई हैं, वो सारे हमें करेंगे सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे ठीक है, प्यारे सपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब हम फनी वीडियो अच्छा ना बनाएं तो अपनी आंखों में आंसू ना लेके आए ना, कोई बात नहीं।
अब हम फनी वीडियो ना बनाएं, आप लोग ये कहेंगे ये फनी वीडियो नहीं, ये डीपी वीडियो हम नहीं देखते, ये सुस्त वीडियो। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, बस अच्छे कमेंट करती हैं तो करें, नहीं तो रहने दें, हमें नहीं आपकी ज़रूरत। अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करें। पिंडी में तो ऐसे लोग नहीं रहते, नहीं पिंडी में रहते हैं तो आप यानी कि पेंडू बन के दिखा रहे हैं। हाँ, हमने आपको कहा जी, हम पेंडू ही हैं, हम सादे हैं, जिस तरह से भी अपना खाते हैं, किसी का नहीं खाते। तो आपने नेक्स्ट हमें ऐसा कमेंट नहीं करना। ये सारे बच्चे जा रहे हैं माशाल्लाह, सारे जो ना ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं, आर्मी वाली गाड़ियाँ भी जा रही हैं। आप तो डर ही गई थी। मैं तो डर गई। इंशाल्लाह ये परेड के बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में भी बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आन के, ये मेरे देवर का मैं शुक्र अदा करती हूँ, देवर की शुक्र गुजार हूँ जिसने हमें इतनी दी और हमें पास लेके दिए। तो ठीक है प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट ब्लॉग।